एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमते हुए लोगों का काम क्या है ये भी जान लो। पर्पल यानी बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए लोग फ्यूल को हैंडल करते हैं, यानी जेट प्लेन के उड़ने से पहले फ्यूल को चेक करते हैं या उसकी रिफ्यूलिंग करते हैं। पीले रंग के कपड़े एयरक्राफ्ट डायरेक्टर के होते हैं, जो फ्लाइट डेक पर प्लेन को कहां खड़ा करना है और उतरने के बाद कहां पर ले जाना है ये सारी चीजें निर्धारित करता है। हरे रंग के कपड़े होते हैं कैटापुल्ट मैनेजमेंट टीम के, जो प्लेन को उड़ाने से संबंधित सारे डिसीजन लेती है। नीले रंग के कपड़े होते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर और एलिवेटर ऑपरेटर्स के, जो प्लेन को खींचकर हैंगर तक ले जाते हैं। और एक एयरप्लेन के उड़ने से पहले और उतरने के बाद सभी जरूरी सेफ्टी चेक करने वालों के कपड़े होते हैं ब्राउन। लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर और मेडिकल टीम के कपड़े होते हैं सफेद। और किसी प्लेन में कौन सा हथियार ले जाया जाएगा और क्रैश लैंडिंग के बाद कैसे उस स्थिति से निपटा जाएगा इसकी जिम्मेदारी होती है रेड कलर के कपड़े पहने हुए लोगों पर। फाइटर प्लेन के अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या क्या होता है? रॉकेट्स, मिसाइल और एंटी सबमरीन डिवाइस लगे होते हैं।